नमस्कार दोस्तों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ गई है एक और गुड न्यूज बेसिक सैलरी में हो सकता है आठ हज़ार रुपये का इजाफा तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पोस्ट के तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है महंगाई भत्ता एच आर ए टी ए प्रमोशन मिलने के बाद अब उन्हें एक और तोहफा मिल सकता है साल 2022 में केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में बम्बर इजाफा हो सकता है सूत्रों की मान्यता केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जा सकता है और फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र और राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से मांग रही है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को दो दशमलव पाँच सात गुना से बढ़ाकर तीन दशमलव छः आठ गुना कर दिया जाए सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी की इस डिमांड पर सरकार विचार कर सकती है हालांकि चुनाव होने की वजह से आचार संहिता के चलते इसमें थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मार्च का महीना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ज़बरदस्त फायदे वाला होगा ओली के रूप में उन्हें फिटमेंट फैक्टर पर फैसला मिल सकता है अगर केंद्रीय कर्मचारी के फिटमेंट फैक्टर पर फैसला होता है तो उनकी बेसिक सैलरी में सीधे तौर पर इजाफा होगा दरअसल फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन में इजाफा हो सकता है कर्मचारी को फिलहाल दो दशमलव पाँच सात फिटमेंट फैक्टर की आधार पर सैलरी मिल रही है अब उन्हें बढ़ाकर तीन दशमलव छः आठ किया जा सकता है अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी में आठ हजार रुपये का इजाफा होगा मतलब अभी तक अठारह हजार रुपये मिलने वाली सैलरी छब्बीस हजार रुपये हो जाएगी सरकार ने एक तरफ से मान लिया है कि न्यूनतम सैलरी को सीधे तीन दशमलव छः आठ गुना न बढ़ाकर तीन गुना किया जा सकता है साउंथ पे कमीशन के तहत सरकार फिटमेंट फैक्टर को तीन गुणा कर सकती है फिटमेंट फैक्टर तीन गुना होने पर केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक पे अठारह हज़ार रुपये से बढ़कर इक्कीस हज़ार रुपये हो जाएगी मतलब उसमें तीन हज़ार रुपये का इजाफा होगा कर्मचारी यूनियन का कहना है कि सरकार कर्मचारियों की मांग को नज़रअंदाज नहीं कर रही है बल्कि एक विकल्प खोजा है जिसमें कैबिनेट सचिव से कर्मचारी यूनियन की मुलाकात पहले ही हो चुकी है मुलाकात में उन्हें आश्वासन दिया है और सूत्रों की माने तो सरकार अब फिटमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत